अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी सुबह का टाइम है और सुबह का 9:30 बज रहा है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। और दोस्तों, आज नाश्ते में कुछ भी नहीं बनाई हूँ, तो चावल और हम लोग सरसों भाजी का नाश्ता करेंगे। और चना वगैरह था तो उसी को मैं तल दी हूँ खाना खाने में, खाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चावल और साग से नाश्ता कर लेते हैं। और दोस्तों, सरसों भाजी में मैं माड़ मिला के बनाई हूँ और नया वाला चावल को बनाई हूँ, तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इधर देखिए दोस्तों, रोशनी के दादी लोग कल खेत गए थे भाजी तोड़ने के लिए, तो बहुत सारा सरसों भाजी लेकर आए हैं, तो इसको सुखटी सुखाने के लिए काट रहे हैं। तो मैं इसी भाजी को माड़ वाला थोड़ा सा साग बना ली थी और वो खाने में सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों, हम लोग का नाश्ता वगैरह हो गया है और जो मैं उस दिन गेहूँ धो के सुखाई थी वो भी आज सूख गया है, 2-4 दिन में सूखा है, तो उसको मैं अच्छे से नहीं निमारी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज उसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। और दोस्तों, घर में आटा भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है, तो आज गेहूँ को साफ करके उसको पिसवाना ही पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ है, तो उसको मैं छान के एक डब्बा में रख देती हूँ, सुबह रोटी बनाने के लिए हो जाएगा। तो इधर देखिए दोस्तों, रोशनी के दादा पपीता काट के दिए हैं खाने के लिए। हम लोग का पीछे तरफ पपीता का पेड़ है, तो सच में दोस्तों बहुत ही अच्छा मीठा हम लोग का पपीता है। चलिए दोस्तों, गेहूं को अच्छे से छान के साफ कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग का गेहूं में सरसों का दाना है, तो वो भी अच्छे से निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, गेहूं भी अच्छे से साफ हो गया है और इसको मैं बोरा में भर कर रख देती हूं और रोशनी के अब्बू को बोलूंगी कि इसको जल्दी से पिसवा कर ले आइएगा। इधर देखिए दोस्तों, किचन का अच्छे से छबाई हो गया है और मैं किचन को इधर शिफ्ट कर दी हूं, लेकिन सूखा भी नहीं है। अभी किचन में भी बहुत ज्यादा काम है, इसको सजाने संवारने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए दोस्तों, अब दोपहर के लिए खाना सब्जी भी बना लेते हैं। तो जो मैं माड़ वाला सब्जी बनाई थी वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगा और खत्म भी हो गया और सभी लोग बहुत ज्यादा खाए। सासू अम्मा बोल रहे हैं कि थोड़ा सा और भाजी बना दे दोपहर के लिए, फिर हम लोग भी खा लेंगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से दोपहर का खाना सब्जी बना के फुर्सत हो जाते हैं। तो दोस्तों, खाना सब्जी बन के रेडी हो चुका है और ये देखिए दोस्तों, इतना सारा हम लोग कबाड़ी निकाल के रखे हुए हैं। और ये वाला किचन में पहले अलीजा की अम्मी खाना बना रही थी, तो इसी घर में कबाड़ी था, तो उसका आज साफ सफाई हो रहा है। और दोस्तों, पहले ये वाला रूम में अलीजा की अम्मी का किचन था, तो अलीजा की अम्मी लोग वो वाला घर में चले गए हैं, तो इस घर में फिर हम लोग कबाड़ सामान रख दिए हैं, तो सारा कबाड़ को हम लोग निकाल दिए हैं और आज उसका साफ सफाई हो रहा है, तो छबाई कर रहे हैं। तो चलिए पहले जल्दी से छबाई निपटा लेते हैं। और दोस्तों, ज्यादा छबाई करने के लिए नहीं बचा है, सिर्फ ये किचन बचा है छबाई करने के लिए और मेरा रूम बच गया है, तो आज इसका छबाई हो रहा है और बाद में हम लोग रूम का छबाई करेंगे जब पर्ची का हम लोग अच्छे से लिपाई कर देंगे। इसके बाद मैं अपने रूम का सामान वगैरह निकालूंगी। वैसे तो दोस्तों, पूरा घर का छबाई हो ही गया है, बस थोड़ा ही बचा हुआ है, तो चलिए उसको भी निपटा लेते हैं अब जल्दी से। इधर देखिए दोस्तों, ये वाला रूम कितना ज्यादा गंदा हो गया है और पूरा बारिश का पानी भी इस घर में चूहा है, तो बहुत ज्यादा और भी गंदा हुआ है। और दोस्तों, इसका अच्छे से छबाई लिपाई हो जाएगा तो ये वाला रूम भी बहुत ही अच्छा साफ सुथरा हो जाएगा। और दोस्तों, पहले अलीजा की अम्मी इसी में खाना बनाती थी और पहले इन्हीं का किचन था। ये देखिए दोस्तों, पूरा छबाई होने के बाद किचन कितना अच्छा दिख रहा है। और इधर देखिए दोस्तों, उस वाला किचन से कितना ज्यादा कबाड़ वाला सामान निकला है, तो सासू अम्मा उसको छांट रहे हैं, अच्छा अच्छा को रखेंगे और जो बेकार है उसको फेंक देंगे।
तो ये देखिए दोस्तों कितना सारा फालतू का कचड़ा था, तो इसको अब जला देते हैं, सारा कचड़ा जल जाएगा। और इधर उधर फेंकाया रहता है कचड़ा, तो अच्छा भी नहीं दिखता है, इसीलिए हम लोग सारे कचड़े को अच्छे से जला देते हैं। दोस्तों मैं छबाई करके नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, और काफी टाइम लग गया छबाई करने में भी। ये वाला रूम का छबाई किया, और इधर अलीजा लोग का आंगन का भी छबाई कर दिए साथ साथ में, अलीजा के अम्मी के साथ में, तो आधा छबाई हुआ है। और दोस्तों बहुत ही ज्यादा हम लोग का प्याज वाला सूख गया है जमीन, तो उसमें भी पानी पटाना है, फिर कल उसका कोड़ाई करेंगे हम लोग। कोड़ाई देने के लिए नहीं बन रहा है, पूरा फट गया है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं अपना बाल को बना लेती हूँ, फिर उसमें पानी पटा के फिर कोड़ाई देने के लिए अच्छा बनेगा। और इधर देखिए दोस्तों यहाँ का भी छबाई हो गया है, और यहाँ आंगन में थोड़ा सा मट्टी भाटना पड़ा और छबाई हो गया है, तो कितना अच्छा दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं खेत में, खेत में भी काम है तो खेत का काम भी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ का जमीन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, और कोड़ा देने के लिए भी अच्छे से नहीं बन रहा था, तो मैं हल्का हल्का पानी छींट देती हूँ। तो दोस्तों मैं पानी छींट देती हूँ, फिर वैसे में मट्टी फूला रहेगा तो कोड़ा देने में भी आसानी होगा। तो ये देखिए दोस्तों मैं प्याज में पानी अच्छे से पटा चुकी हूँ, और मट्टी भी अच्छे से नरम हो गया है। तो चलिए इसको कोड़ाई करके देखते हैं अच्छे से कोड़ाता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं अभी भी इस प्याज में पानी डाल दी हूँ, तो मट्टी भी अच्छे से नहीं फूला है, तो अभी कोड़ने के लिए भी नहीं बन रहा है, तो इसको मैं कल कोड़ दूंगी, कल सुबह तक अच्छे से मट्टी भी नरम हो जाए रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब शाम के लिए वहाँ पे हम लोग जो लकड़ी कटवाए थे, तो वहाँ पे छोटा छोटा चैला गिरा होगा, तो उसको उठा कर ले आते हैं, हम लोग को आग तपाने का काम आ जाएगा। और यहाँ देखिए दोस्तों कितना सारा छोटा छोटा लकड़ी फेंकाया हुआ है, तो इसको मैं सारे को उठा के इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों इतना सारा लकड़ी हो गया है, और ये लकड़ी आग तपाने के लिए हो जाएगा, तो चलिए अब चलते हैं लेके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं रात का खाना सब्जी बनाने के लिए, और अभी हमारे घर का छबाई हुआ है तो पूरे तरफ मिट्टी है मिट्टी है। और दोस्तों आज मैं रात के खाने में बैंगन और आलू का सब्जी बनाऊंगी, तो चलिए इसको काट के जल्दी से इसका सब्जी बना लेते हैं। दोस्तों खाना सब्जी बनकर रेडी और हो चुका है, और हम लोग आ गए हैं फिर से आग तपाने के लिए। और हमारे गांव में फिर से ठंडा लगता है बहुत ही ज्यादा, अभी सुबह सुबह से हवा चल रहा था इसी के वजह से। और थोड़ा देर हम लोग आग तपाएंगे, फिर बाद में हम लोग खाना खाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा हाफिज़, बाय।